उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने के बाद हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। घटना के बाद मची तबाही में करीब 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ये बात कही। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के मुताबिक 197 लोग लापता हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ का दौरा किया। उन्होंने कहा कि NDRF आर्मी और SGRF का संयुक्त प्रयास चल रहा है। NTPC को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट 85 करोड़ का था, करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने सोमवार को तपोवन में IG, DIG, DM, SP, आर्मी, ITBV, BRO के वरिष्ठ अधिकारियों और NTPC के प्रोजेक्ट इंचार्ज अधिकारियों की बैठक में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। साथ ही DM को समय समय पर मीडिया को ब्रीफिंग करने के निर्देश दिए गए ताकि भ्रामक और गलत खबरें ना फैले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि प्रभावित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार हर कदम उठा रही है। उत्तराखंड के BJP सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने आश्वासित किया है कि सरकार भविष्य में ऐसे प्राकृतिक हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दो संरचना को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। BJP सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार प्रदेश की जनता के साथ है। प्रधानमंत्री से सांसदों की इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। तपोवन में एक बड़ी सुरंग के भीतर फंसे लोगों को बचाने के लिए कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITPP, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा मोचन बल SDRF के कई दल रविवार रात से सुरंग से मलबा हटा रहे हैं और फंसे हुए श्रमिकों की तरफ बढ़ रहे हैं।